मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाइयों को अब टाटा बाय बाय कहिए और आज ही बनाइए ये सुपर टेस्टी बर्फी। ना मावा, ना चाशनी, ना पनीर, ना आपको करनी है घंटों की मेहनत। सिर्फ घर में रखी दो चीज़ों से आज हम इसे बनाकर रेडी करने वाले हैं। सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके घर अवेलेबल होगी, वही बर्फी में हम यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जो है वीडियो होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बर्फी का टेस्ट भी इतना बढ़िया आता है, अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे इसका स्वाद कभी भी भूल नहीं पाएंगे और हर फेस्टिवल पर आप चाहेंगे कि आप इस बर्फी को बनाएं और खाएं। तो देखिएगा आप आ रहा है रक्षाबंधन, तो आप इसे जो है रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब, मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा अब हम यहाँ पर मैदे का यूज़ करके बर्फ़ी बनाने वाले हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी बर्फ़ी बनकर रेडी होती है फ्रेंड्स इससे। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, एक स्पैचुला की हेल्प से मैदे को अच्छे से भूनना है। इसको जब तक भूनेंगे तब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैदा है ये अच्छे से जो है कुक हो गया है, मतलब अच्छे से रोस्ट हो गया है, भुन गया है? तो आप क्या करना, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और लो फ्लेम पर आप इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे जैसे आप चलाएंगे देखिए इसकी दूसरी स्टेज आ गई है। मिक्सचर पहले सूखा सूखा था, जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे ना इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है घी सेपरेट होने लगेगा, अच्छे से कढ़ाई से छूटने लगेगा मिक्सचर और इसका जो है टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो मिक्सचर थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है गीला होने लगा है। तो हमने इसमें 3 चम्मच जो घी डाला था ना वो सब पूरा इसमें से निकल चुका है और अच्छे से मिक्सचर जो है पक गया है, कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज हो जाएगा। और अब इसे हम जो है यहाँ पर फैन के नीचे अब इसे ठंडा करना है हमें। तो देखिएगा पूरा ठंडा करिएगा इसमें, क्योंकि हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं जिससे बर्फ़ी बहुत ही सुपर टेस्टी लगेगी। तो देखिए सारा मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। 1/4 के करीब, मतलब 1 कप हमने जो है मैदा लिया था तो हम इसका जो है आधा यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है फ्रेंड्स। आपको मैं इसका सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी आगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें एक और चीज़ डाल सकते हैं जिससे कि बर्फ़ी और ज़्यादा जो है सुपर टेस्टी बनेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने और अब बारी आती है इसमें चीनी ऐड करने की। तो हम इसमें मैदे की आधी क्वांटिटी में पीसी हुई चीनी लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा मैंने जो है कढ़ाई को अभी गैस पर नहीं रखा है, सारी प्रोसेस हम जो है काउंटर पर ही करने वाले हैं। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा सारे लम्स को आपको इस तरह से मैश करते हुए, आप जो है हाथों का यूज़ भी कर सकते हो इस प्रोसेस को करने में। और अब मैंने यहाँ पर ली है दूध की मलाई और दूध की मलाई डालकर अच्छे से जो है हमें डो के फॉर्म में से लाना है। आप थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, इसे जो है बर्फी से ऐड करेंगे। इस फॉर्म में हमें लाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके मलाई या दूध ऐड करते जाना है जिससे कि इसमें अच्छे से जो है एक डो आ जाए, फॉर्म में आ जाए। ये देखिए एक डो के फॉर्म में ये आ चुका है। मैंने इसमें 3-4 चम्मच के करीब मलाई ऐड की थी और अब यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है और इसमें जो है पिस्ता डाले हैं, डेकोरेट किए हैं पिस्ता। और अब जो हमने डो रेडी किया है ना उसको हम इसमें इस तरह से सेट कर लेंगे। तो हाथों से मैं इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा गीला हो जाता है तो आप इसमें 2-3 चम्मच कोकोनट पाउडर, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं, नारियल का बूरा कहते हैं जिसे। और चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड से और बर्फ़ी को 2-3 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। और यहाँ एक प्लेट ले ली है, 2-3 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट भी हो गई है। ये देखिएगा कितनी बढ़िया जो है बर्फ़ी का लुक आया है फ्रेंड्स। आप ये सोच रहे होंगे कि मैदे की बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे जो है मैदे से बनाया है। इतनी सुपर टेस्टी बर्फ़ी बनकर रेडी होती है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने जो है मैदे से बनाई है, और जिसको खिलाऊँ वो बोले कि मतलब मैदे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। देखिएगा बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें जो है दूध की मलाई या
मावा भी ऐड कर सकते हैं या दूध को थोड़ा गाढ़ा करके भी इसमें डाल सकते हैं, तो भी ये जो है बनकर रेडी हो जाएगी। और बस उसे आपको गैस पर रखकर थोड़ा सा डो के फॉर्म में लाना होगा। तो देखिएगा कितनी सॉफ्ट और मुलायम बर्फी बनकर रेडी हुई है। फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन आप इस सुपर टेस्टी बर्फी को ज़रूर बनाइएगा और अपनों को खिलाइएगा और इस बर्फी के मज़े लीजिएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बर्फी के मज़े लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।